जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है विश्व में सबसे लंबा, ऊंचा, बड़ा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में समझाया गया है और 30+ क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। बात करें इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। ये भी ध्यान रखिएगा, कैस्पियन सागर जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी। इसका क्षेत्रफल जो है 4,30,000 वर्ग किलोमीटर तथा आयतन जो इसका है 78,200 घन किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है वह है सुपीरियर झील। बात करें सुपीरियर झील की, तो सुपीरियर झील जो है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है। सुपीरियर झील कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है। यह आकार के दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो है बैकाल झील। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। बात करें बैकाल झील की, तो रूस में स्थित बैकाल झील सबसे गहरी झील है या दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है कजिनसारा झील। कजिनसारा झील विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। बात करें इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो नेपाल में कुछ महीने पहले खोजी गई कजिनसारा झील विश्व की सबसे ऊंची झील है। हिमालय क्षेत्र में 4,919 मीटर की ऊंचाई में स्थित तिलचू झील अभी तक सबसे ऊंची झील 2019 तक लगभग ही मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो है कजिनसारा झील जो कि नेपाल में है सबसे ऊंची झील है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वह है नील नदी। नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और एक दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी जो कुल लंबाई वो 6,650 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अपवाह क्षेत्र अर्थात आयतन के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आयतन के अनुसार विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है आयतन में सबसे लंबी नदी है। बात करें इससे इम्पोर्टेंट फैक्ट की, तो अमेजन दक्षिण अफ्रीका से होकर बहने वाली एक नदी है। इसे कई सारे नाम से जाने जाते हैं, अमेजन तो यह दक्षिण अफ्रीका से होकर बहने वाली एक नदी है। आयतन के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 6,675 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो एंजिल जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला का एक झरना है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी लंबाई 979 मीटर अर्थात 3,312 फीट है और गहराई 807 मीटर अर्थात 2,648 फीट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है वो तरबेला बांध है। तरबेला बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो पाकिस्तान में सिंध नदी पर निर्मित तरबेला बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है। और थ्री गॉर्जेस बांध जो कि चीन में है, बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा बांध है। ध्यान रखिए, कंफ्यूज बहुत लोग होते हैं इस क्वेश्चन में और मैक्सिमम लोग थ्री गॉर्जेस बांध को टिक कराते हैं, पर जो ये जो है वो बिजली उत्पादन में सबसे बड़ा बांध है, ना कि सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध जो है वो तरबेला बांध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है?
तो विश्व की जो सबसे लंबी नहर है वो है ग्रांड नहर। ग्रांड नहर जो है वो विश्व की सबसे लंबी नहर है। बात करें ग्रांड नहर की, तो चीन की ग्रैंड नहर 1974 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया की सबसे बड़ी नहर व कृत्रिम नदी है, कृत्रिम नदी है। कहीं कहीं मिस्र देश में स्थित स्वेज नहर जो कि 163 किलोमीटर के साथ विश्व की सबसे लंबी नहर लिखी मिलती है। और जो ये स्वेज नहर है वो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। जो स्वेज नहर है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वह है रूस। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। रूस के बाद जो है दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर अमेरिका, चौथे नंबर पर ब्राज़ील, पांचवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, छठे नंबर पर, सातवें नंबर पर भारत है। ध्यान रखिए, रूस के बाद कनाडा दूसरे नंबर पर है, चीन तीसरे नंबर पर है, अमेरिका चौथे नंबर पर है, ब्राज़ील पांचवें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया छठे नंबर पर, भारत सातवें नंबर पर आता है क्षेत्रफल के दृष्टि में। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा देश जो है वो है वेटिकन सिटी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। चीन जो है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। बात करें इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो चीन जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। यहाँ की इसकी जनसंख्या जो है 144 करोड़ है। चीन के बाद दूसरे पे आता है भारत, तीसरे पे आता है अमेरिका, चौथे पे आता है इंडोनेशिया, वो पांचवें पे आता है पाकिस्तान। ये हैं जनसंख्या के दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग किस देश में स्थित है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। स्विस आल्पस की पहाड़ियों में निर्मित ग्रोथ हार्ट बेस टनल विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। इसकी लंबाई जो है 57 किलोमीटर है। और नॉर्वे के लेडरल टनल 24.51 किलोमीटर लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी रोड सुरंग है। दूसरी सबसे लंबी रोड सुरंग है सेकेंड टनल, जो कि जापान में है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा पुल है डनयांग कुशन ग्रैंड पुल जो है विश्व का सबसे लंबा पुल है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो डनयांग कुशन ग्रैंड पुल चीन में है। चीन के बीजिंग व संघाई के बीच यांगजी नदी पर निर्मित हाई स्पीड रेल ब्रिज है। यांगजी नदी ध्यान रखिए एशिया का सबसे बड़ी नदी है, जो कि चाइना में है। तो डनयांग कुशन ग्रैंड पुल चीन के बीजिंग व संघाई के बीच यांगजी नदी पर निर्मित हाई स्पीड रेल ब्रिज है। इसकी कुल लंबाई 164.8 किलोमीटर है। थाईलैंड का बैंगना ब्रिज 54 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे बड़ा रोड सेतु है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है माउंट एवरेस्ट जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चीन और नेपाल के बीच हिमालय में स्थित है ये। नेपाल में इसे सागर माथा और चीन में इसे कोमोलांगमा इसे कहते हैं। सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इस पर्वत का नाम पड़ा था। और केटू दूसरे व कंचनजंगा तीसरे स्थान पर है। फिर अगला है, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है। बात करें इसी पॉइंट फैक्ट की, तो एशिया महाद्वीप जनसंख्या व क्षेत्रफल दोनों के दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका नाम देश का भी नाम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज की है। एंडीज की लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। साउथ अफ्रीका के साथ साथ वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पीरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना में इसका विस्तार है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। बात करें इससे पॉइंट फैक्ट की तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर आते हैं। प्रशांत महासागर जो है सबसे गहरा महासागर भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। बात करें इसी पॉइंट फैक्ट की तो पश्चिम एशिया में स्थित अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है आर्कटिक व अटलांटिक महासागर के बीच स्थित ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी दूसरा तथा बोर्नियो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह दोनों प्रशांत महासागर में मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा आर्ट संग्रहालय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा आर्ट संग्रहालय कौन सा है? तो वह लोअर संग्रहालय। लोअर संग्रहालय जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आर्ट संग्रहालय है। बात करें इसी पॉइंट फैक्ट की तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित लोअर संग्रहालय विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। बात करें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? विश्व की सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है? तो विश्व की सबसे छोटी चिड़िया जो है वो हमिंग बर्ड है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है सहारा रेगिस्तान। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरक्को, नाइजर, सूडान आदि देशों में इसका विस्तृत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा जो है विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। बात करें इसी पॉइंट फैक्ट की तो बुर्ज खलीफा जो है संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। इसकी ऊंचाई जो है 828 मीटर है और इसमें जो कुल मंजिला इमारत है वो 163 है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पमीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। बात करें पमीर का पठार तो पमीर का पठार को विश्व का छत भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? तो वह है बोलीविया। बोलीविया की जो राजधानी है वो विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। बात करें बोलीविया की राजधानी लापाज, बोलीविया की राजधानी है लापाज और इसकी जो ऊंचाई है 3640 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचाई पर स्थित ये राजधानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस देश में स्थित है? विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किस देश में स्थित है? तो विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्थित है वो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बात करें इसी पॉइंट फैक्ट की तो ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाला हाईवे 1 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो महाभारत। महाभारत महाकाव्य विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। बात करें इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट की तो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया नामक स्थान पर निर्मित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी कुल लंबाई 182 मीटर है और यह लार्सिन व ट्रूबो कंपनी द्वारा निर्मित तथा राम सुतार के डिजाइन ने इसे तैयार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो अंगकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। अंगकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित अंगकोर वाट मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके बाद जो है अमेरिका देश में स्थित स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जो नगर है वो है टोक्यो है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो है जो कि जापान की राजधानी है और इस बार ओलंपिक गेम जो है यहीं खेला जाएगा। और सर्वाधिक कम आबादी वाला नगर है वेटिकन सिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। सिंगापुर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। सिंगापुर जनसंख्या घनत्व वाला देश है और
अंटार्कटिका का सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व देश है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वो राइन नदी है जो कि जर्मनी में है, ये विश्व में सबसे व्यापारिक नदी है। एक और क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप या मजोली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। और उमानंद द्वीप जो है विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। आज का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है? विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में इससे जो भी आपको एक्स्ट्रा पता है उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। हाँ, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप इसका फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और एक दो बार रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।